और छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में छेरछेरा पुन्नी का विशेष महत्व है। त्योहार को पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। इसी उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्राचीन और ऐतिहासिक दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे। इस मौके पर बघेल महंत राजेश्री राम सुंदर दास से अनुदान लेकर मंदिर के आसपास के घरों में जाकर दान लेंगे। मुख्यमंत्री दान में प्राप्त अन्न को प्रदेश के कुपोषण अभियान के लिए समर्पित करेंगे। साथ ही छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर मंदिर परिसर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा पर अनाज दान करने से दरिद्रता दूर होती है और अनाज का भंडारण हमेशा भरा रहता है। किसान इस दिन सुबह अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना कर नए अनाज से बने पकवानों का भोग लगाते हैं। और हमारी सहयोगी निधि प्रसाद हमारे साथ इस खबर पे जुड़ी हुई है। निधि, छत्तीसगढ़ में नई सरकार अब जो त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, उन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार छेरछेरा पुन्नी पर भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। इस पर्व का भी विशेष महत्व है। जी स्मिता, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ का ये पारंपरिक त्योहार है, एक तरफ से छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक पर्व है छेरछेरा पुन्नी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, आज सवेरे सवेरे ही छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर ही प्राचीन और ऐतिहासिक दूधाधारी जो मठ है वहाँ 11 बजे पूरा पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ जो प्रदेशवासी हैं उनकी खुशहाली की भी कामना करेंगे। और इस मौके पर वे जो हैं महंत वहाँ के राजश्री राम सुंदर दास, उनसे अनुदान लेकर मंदिर के आसपास के घरों में जाएंगे और वहाँ के घरों में जाकर वे दान लेंगे और जो मुख्यमंत्री को अन्न का दान प्राप्त होगा उसे वे प्रदेश के कुपोषण अभियान के लिए भी समर्पित करेंगे। और इसी के साथ जो छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर मंदिर परिसर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गाड़ी बैला एवं कृषि उपकरण का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर राउत नाच और डंडा नाच का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल के अन्य दौरे भी हैं, जिसमें सुबेरे सीएम भूपेश बघेल छेरछेरा पुन्नी का यह जो आयोजन है इसे खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री 12 बजे बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। वहां नगरी निकाय चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, अब महापौर और सभापति का जो है शपथ ग्रहण समारोह जो काफी भव्यता से मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में रायपुर में, वहां पर वो शामिल होंगे। और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे बिलासपुर के लिए। ठीक 2 बजे सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से रवाना होकर बिलासपुर पहुंचेंगे और वहां 2:10 पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल 4:10 को वहां से हेलीकॉप्टर में रवाना होकर 4:50 पर दुर्ग जिले के पाटन पहुंचेंगे। वहां 5 बजे से गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री कार द्वारा कुम्हारी आएंगे। 6:20 पर गुरु घासीदास जयंती मनाएंगे कुम्हारी में और इसके बाद ही 7:10 पर मां शाकंभरी पूजा महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने के बाद वापस अपने निवास स्थान पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।